अस्सलामुअलैकुम। ये पीसीबी हमें भेजी है काशिफ भाई ने, अब्टाबाद से आई है ये, और इसे अब देखते हैं कि क्या मसला है। बेहतर तो यह है कि उनको फ़ोन करता हूँ मैं, फ़ोन करके देखता हूँ, पूछता हूँ उनको इससे क्या मसला है, किस कंपनी की है, क्या मसला है इनको। ये कॉल करते हैं जी हम, अब इनको तो देखता है कि पूछता हूँ कि क्या मसला था इसको जी। हाँ जी, हाँ जी, सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी काशिफ भाई, ये आपका मिल गया मुझे पार्सल। ये किस कंपनी की पीसीबी है, क्या मसला है इसको? ये जी हायर की 2 टन की गेट है और इसमें E7 का हाइव डो टन सिस्टम E7 का है जी। ठीक हो गया जी, मैं देखता हूँ भाई। पहले है। भी रिपेयर तो नहीं पहले कराई भी थी? लेकिन वो कुछ ही महीने चली है, लेकिन उनसे सही नहीं है। फिर मैंने दोबारा ये आपकी तरफ भी अच्छा, भेजी पहले है। पहले कहाँ से कराई थी पहले आपने? ये पेशावर से कराई चलो है। ठीक हो गया जी, मैं अभी देखता हूँ, चेक करता हूँ, इंशाल्लाह हो जाएगी। खोलने लगा हूँ मैं, देखता हूँ। अच्छा, खुदा हाफ़िज़ जी। ठीक है, ओके। जी अब हम खोलते हैं इसे, कैमरा ऑफ करते हैं, ज़रा खोलते हैं। बड़ी तेज सख्त होती है इनकी यार। ये पहले भी रिपेयर हुई है, काफी हुई है किसने। ये देखें जी, ये इन्होंने भेजी है हमारे पास, तो अब हम इसको खोलेंगे। E7 के एरर में है जी, हाइट 2 टन है, E7 का एरर है इसमें, तो मैं देखता हूँ अभी ये क्यों आ रहा है इसमें E7 का एरर जो है। ये देखें यहाँ से ये जली हुई है, ये देख लें आप, चेक करवाएं इनको। ये देखें यहाँ से कुछ हुआ हुआ है इसको, कुछ किया उन्होंने रिपेयर या पता नहीं क्या, देखें सारी जली हुई है यहाँ से। चलो इसको मैं तो बाद में ये रखें, इसको बाद में देखते हैं, पहले हम इसको चेक करते हैं कि ये E7 का एरर जो है ये क्यों है इसमें। लाइन जी मीटर दें मुझे ज़रा पहले कूल। चलो यहाँ से कर लें, वो दे दें मीटर, दे दें ये वाला दे दें, ताकि यहाँ पड़ा उन्हें फिर नज़र आता है इनको। घर से तो हम यूज़ नहीं करते ये मीटर। ये देखें सब कुछ ये तारा हुआ है, कुछ ना कुछ इसको रिपेयर करने की कोशिश जरूर की है उन्होंने, पता नहीं क्या किया इसने। किट तो वैसे बड़ी साफ सुथरी है जी, किट है, किट तो बहुत साफ है, लेकिन और इसमें बस ना ये दिखाएं जी, ये दिखाएं इनको पहले। अच्छा ये देखें यहाँ से भी कुछ ये स्पार्किंग हुई हुई है इसकी, यही उधर हुई होगी। सबसे पहले हम इसका देखते हैं डायोड, देखते हैं कि ये सारे हमारे ये ठीक हैं। हम इससे देखते हैं अब, ये देखें यहाँ से कुछ हुआ हुआ है इसको, ये देखें सारा प्रिंट, ये देखें प्रिंट यहाँ से प्रिंट, ये ब्रेक हुआ हुआ सारा, ये देखें इधर से, ये भी उन्होंने रिपेयर करने की कोशिश की है, और ये देखें यहाँ से भी सारा रिपेयर करने की कोशिश की हुई है। डायोड वगैरह ये सारा कुछ चेंज किया गया है, तो ये वायर है ये काट दें इसको, ये लग जाएगी कहीं ऊपर, कहाँ कहाँ की क्या क्या किया गया है ये समझ नहीं आई मुझे तो, इसकी पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग, समझ बाहर है हमारे। अच्छे अब यहाँ से लगाते हैं इसको, तो यहाँ से ये देखें यहाँ पे ये मदर पे लगा हुआ है, ये देखें यहाँ से सर्किट इसका ब्रेक है, ये लाइन इसकी ब्रेक हुई हुई है, तो इसको देखना पड़ेगा यहाँ से किस जगह से ब्रेक है ये, और ये जो लाइन है यहाँ से आ रही है, तो ये चेक करते हैं इधर से, ये भी ब्रेक हुई हुई है, ये लाइन इसकी ब्रेक है, दोनों लाइनें ब्रेक हैं। चलो इसको भी हम कर लेते हैं कवर, आप ना सोल्डर आयरन दे जल्दी करें ज़रा। ये अब हम करते हैं इसको रिपेयर, तो ये इंशाल्लाह ये देखें ये मिस्टेक सिर्फ और सिर्फ यहीं से है इसकी, और इसको यार खोलें, इसको जल्दी करें, जल्दी दें जल्दी दें। बस ठीक हो गया, ओके बस ठीक है।
यहाँ से सिर्फ ना कार्बन था इसके अंदर, ये भी, और ये देखें, ये देखें, ये आप दिखाएं जी, ये देखें प्रिंट ज़रा, ये देखें प्रिंट, वैसे ये देखें सारा लूज है, ये देखें रहा है, तो इसको हम लगा देते हैं, ये देखें लग गया। अब ये शोल्डर आयरन उठाएं आप कपड़े ले रहे, तो यहाँ पे आप देखते हैं इसकी कंटिन्यूटी, ये देखें ये भी ओके हो गया, और ये प्रिंट इस यहाँ से चेक करते हैं तो ये भी नहीं ठीक हुआ, इसमें अभी है मसला जी, इसको दोबारा करना पड़ेगा जी, एक मिनट सॉरी, इसको देखते हैं इसमें कोई मसला है नहीं, ये भी ओके है जी, ओके हो गया ओके, ये भी ओके है, दोनों ओके हो गए। तो अब इसके बाद इसमें मसला कोई नहीं रहा, तो इसमें हम करते हैं अब इसकी, ये उठाएं जी, वो जा दे मुझे कहाँ इसकी, ये पीसीबी लाए, इसे ऐसे दे दे, ऑन कैमरा ही दिखाना है इसको, ठीक है जी। ये देखें या ओहो, इसमें भी कुछ कर रहा हो, चलो देखते हैं अभी इसको, तो मैं इसको जी देखें यहाँ पे लगाता हूँ, और ये वायर जो है अब लगाएंगे यहाँ पे, आप ऐसा करें वीडियो जरा कर दें ताकि, चलो ये देख ही लें आप, ताकि मैं बंद क्या करना कैमरा, हमने देख लें ताकि आपको भी कभी, ये देखें भाई इसमें मसला ये होता है कि ये हमारी जो वायरें हैं ना दो वाली, आप भी देख लें सोच, ये देखें ये वायरें रिएक्टर की होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, ये इधर से आती हैं जी, ये हमारे कहाँ से, इधर नीचे क्या लगा हुआ है ब्रिज, ब्रिज से आउट होती है, तो रिएक्टर ये हमारा आ गया और ये हमारे आ गए, जैसे उसके वैसे वैसे ये आ गई। अब यहाँ कैपेसिटर इसके अलग लगा हुआ, ये नेगेटिव पॉजिटिव ये निशान आपने प्रोलोरिटी इसकी देख के, ये देखें यहाँ पे, ये इधर, ये एक एनक वाला है तो इसको इधर लगाएंगे, ठीक है जी, ये देखें इधर लग जाएगा जी, तो इधर इसको जैसे इधर लगा देते हैं हम एन वाले को और एल वाले को, सॉरी ये देखें जो पॉजिटिव है इसको, इसको लगाते हैं इधर, ठीक है, लग गया जी, ये देखें जी, ये देखें इधर लगा दिया। अब इसमें इसको मेन चीज ये हमने काम किया, तो इसको हम साफ कर लेते हैं ताकि कोई मसला ना हो जाए, कुछ ही शॉर्ट ना हो, या पीसी भी दें इसकी इंडोर की, जल्दी करें आप पीसी भी दे दें। अच्छा जी, हम अब इसको लगाते हैं, तो इधर इसको ये हमारा पड़ा है, और ये इसकी मेन 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 वायर कहाँ गई इसकी यार, मेन वायर कहाँ गई, उसका डबल ग्रिप एक और था इसके, ये आ गई, ये देखें ये होता है इसका, ये पड़ा है, ठीक हो गया। अब स्क्रू दें मुझे, वायरें दे दें, चीज़ें दे दें सारी, ताकि मैं इसका, यार इसकी डीसी मोटर लगाना ज़रूरी होती है इसको, वो दें कहाँ है इसकी, आउटडोर की डीसी मोटर उठा दें मुझे, दे दें जल्दी करें, ये ले जी, ये वाली डीसी मोटर है हमारी, तो ये डीसी मोटर हमारे, ये देखें ये मैं इधर लगा देता हूँ, जिस पीसीबी को डीसी मोटर लगनी हो ना जी, उसको लाजमी लगाते हैं, अगर यहाँ पे एसी होती तो हमें कोई जरूरत नहीं। इसके सेंसर भी पड़े हैं हमारे अपने पास, वो उठाएं जरा, सेंसर दें इसके, जल्दी करें, सेंसर भी दे दें, यहाँ पड़े हैं शॉपर में एक लाख पड़े थे, वो दे दें मुझे, ले लें तो सेंसर निकाल दें, पहले सेंसर तक की जरूरत नहीं है किलो की, हमें ये देखेंगे, अब वो भी सेंसर ले उधर से लेके हैं इसका, ये वाला जी, ये देखें जी, ये वाले हमारे सेंसर आ गए सारे, इस सेंसरों पे मेरी पूरी मूवी बनी पड़ी है, वो आप देख सकते हैं कि ये कौन कौन सा सेंसर है, इसका एरर कौन कौन सा है, और किस जगह, ये E7 की है, ये तो हायर की है, टू टन की। लेकिन ये देखिए कि छोटा सा मसला था, उन्होंने कितनी दूर से भेजी है, इसलिए मैं हर मूवी में ये बकायदा कहता हूँ आप भाइयों को कि मेरे भाइयों काम सीख लो, ये छोटे छोटे मसले होते हैं जिनके वजह से आप इतने पैसे देते हैं करते हैं, और फिर मसला फिर भी सही नहीं होता, फिर जब पहले भी इन्होंने करवाई फिर दोबारा ये आज मसला बन गया, तो फिर ये मसला था, तो अब इसको हम चलाने के बाद ही आपको बता सकते हैं ये चलेगी या नहीं चलेगी, बाकी उम्मीद तो है ये चलनी चाहिए। बाकी ये देखें अब इसमें हम इसके कनेक्शन करते हैं, तो ये देखें ये ब्लैक वाली वायर हमारी आ गई है, ये वाली पॉजिटिव है, तो ये इसकी पॉजिटिव है, तो मैं इसको लगाने लगा हूँ, स्क्रू ड्राइवर दे दूंगा, और दूसरा देना जरा देख के यार, अब इसको जनाब ये हमारी ये आ गई, और ये हमारी जो है ये कम्युनिकेशन की बाद में लगाता हूं, इसके बाद छोड़ दें जी, छोड़ दें छोड़ दें छोड़ दें, ये देखें ये आ गई हमारी ग्राउंड आ गई है,
इसके बाद ये ग्राउंड है, तो इस अब सॉरी ये एन है, ये एल लगा दी, ये एन मैंने ये अब इसमें लगा दिया, अब ये एन लगा दी इसमें, ओके हो गया। अब इसमें कम्युनिकेशन वायर है जो वो लगाएंगे इस पे, ये करें टेप देंगे, ये देखें ये मैं इस पे करूँगा टेप, ये देखें यहाँ पे, ताकि ये किसी के साथ टच न, बल्कि इसको रहने देते हैं, इसको इधर लगा देते हैं, इस पे टेप कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे लगने की जगह है नहीं रहेगी। वीडियो कोशिश किया करें पूरी देखा करें वीडियो पे, ये आपको ये है कि वीडियो पूरी देखेंगे तो आपका ही फायदा है इसमें, अगर आप टेक्नीशियन भाई हैं तब, दूसरा कोई ना भी देखे तो उसको में कोई उधर नहीं है, हमें कोई मसला नहीं है, वो भी आपको इसलिए कहते हैं कि आपने काम करना है, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिल जाती हैं हमारी वीडियो में, और कोशिश करें कि आप इसको पूरा देखा करें। ये देखें जी, अब इसके बाद मैं लगाता हूँ इसको, ये मोटर इंडोर की, ये देखें जी, ओहो इस तरह लगेगी, ये मोटर इंडोर की भी हमने लगा दी, सेंसर लगे हुए हैं। अब रह गया है तो हमारा मेन रह गया कनेक्शन, दिखाएं जिद बताएं तार कहाँ दिखाएं मुझे जरा, वायर देंगे ये मैंने 220 की इसको दे दी है, अब कनेक्शन कर दिया है, और अब इसके बाद ये दूसरी, इसका भी सही लगाना चाहिए एन वाला देख के, लेकिन इसमें अगर दूसरी का कोई लग भी जाए तो इसमें मसला कोई नहीं ऐसा होता, लेकिन गलत लगाना नहीं, कोशिश करनी एन एल जो लगा हुआ वो सही लगा हुआ आपका हो। ये देखें ये मैंने इधर लगा दिया, ये पड़ी इसकी वायर, अब हम इसको देखते हैं कि कौन सी चीज़ हमारी रह गई। ये देखें यहाँ पे हमने लगा दी इसकी इंडोर फैन मोटर, ब्लोअर मोटर, ये हमारी किट लग गई, ये हमारा डिस्प्ले पड़ा है, और इसके बाद ये इसकी वायर लग गई है जो मेन कनेक्शन है इसका, ये कम्युनिकेशन वाली जो है ये हमारी कम्युनिकेशन में लग गई है, ये हमारी एन वाली एन पे लग गई है, और ये देखें एन वाली यही है, मज़ीद एक दफ़ा देख लेना चाहिए, ठीक हो गया, एल वाली एल पे लग गई। तो अब इसके बाद ये मोटर लग गई, इधर आ जाते हैं इसमें, ये दोनों ये वाल ये लग गई, ये जो कम्युनिकेशन इसकी है अंदर ये लग गई, ये इसकी नेगेटिव पॉजिटिव देख के हमने लगा दी, ये कंप्रेसर अब रह गया, इसका कंप्रेसर लगा देते हैं, कंप्रेसर के हमने ये लगा दिए, चेक करवा देंगे इनको जरा पास करके, ये लगा दिए कंप्रेसर भी लग गया। अब कंप्रेसर के बाद इसका तकरीबन हाँ रिएक्टर रह गया जनाब, रिएक्टर लगाते हैं अब हम, रिएक्टर ये पड़ा, रिएक्टर भी लग गया है, तो इसके बाद और कोई चीज़ इसकी नहीं रह गई, मुकम्मल ये सर्किट सारा हो गया है। अब काशिफ भाई देख लेंगे इसको ताकि उनको पता चल जाएगा, या हमारी ये कंप्रेसर अब ऑन होता है या नहीं, ये भी ऑन हो, सॉरी ये रह गई वायरें, ये रह गई यार एक दो, ये रह गई, ये देखो ये देख के लगानी है, ये गलत ना लग जाए, ये एल वाली ये दिखाएं जिनको, ये एल लिखा हुआ है, ये देखें एल एसी और एन एसी, ये देखें ये वाली जो एल की है ये एल पे लगेगी, ये वाली ये देखें ये एल वाली हम लगाएंगे एल पे, ठीक है ये लग गई, और अब एन की है इसकी, तो ये एन वाली है तो मैं इसको एन पे लगाऊंगा। अब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रह गई है जो हमने नहीं लगाई, मुकम्मल सर्किट इसका हो चुका है, तो आप देख सकते हैं मुकम्मल दिखा दें जी एक दफ़ा, ओके हो गया है लाए जी। अब हम इसको चलाते हैं, चलाने के बाद अभी अब हमें पता चल जाएगा कि इसमें कोई मसला या कोई प्रॉब्लम जो भी हुई, और अब मैंने इसको सब कुछ देखें, ये ओके लगा दी, लगा चुके हैं हम, और ये देखें सेट, अब रूम का टेम्परेचर जो है हमारा 26 इस वक्त है, और ये देखें इसकी जो मोटर है ये आप नज़र आ रही है आपको होगी, ये देखें ये चल चुकी है। इसके बाद ये इसमें ये हमारी मुकम्मल जो किट है पीसीबी है, ये हमने देखें इसके साथ कम्युनिकेशन इसकी कर दी है, और ये इसका रिएक्टर, ये कंप्रेसर, अभी देखते हैं कि ये अभी ऑन होती है तो अभी मैं आपको बताता हूं, और इंशाल्लाह ये 7 के आर में थी, लाइन ये 7 लिख लूँ यहाँ पे ताकि पता रहे कि ये वीडियो हमारी किसकी थी, लिख दें यहाँ पे, यहाँ पे लिख दें ई सेवन लिख दें, ई7 की काफ़ी वीडियो पड़ी है मेरी, लेकिन ये एक और सही, चलो इसके आपका भी फ़ायदा हो गया और हमारा भी कुछ फ़ायदा है, और वीडियो कोशिश किया करें कि वीडियो को आप पूरा देखा करें ताकि आपका फ़ायदा हो। ये अभी चलने लगी है जी, अब जो ही ये ऑन होती है तो मैं आपको इसका दिखाता हूँ, ये अभी ऑन हो जाएगी, बस कुछ टाइम इसमें लगेगा ऑन होते हुए, वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको फ़ायदा रहे। ये देखिए मोटर आस्ता आस्ता ये कुछ देखें, जैसे ये स्पीड पकड़ेगी ये इंडोर वाली ब्लोअर मोटर,
तो उसी वक्त कंप्रेसर की स्टार्टिंग कंप्रेसर देखें, ये देखें ये स्पीड पकड़ ली इसने, और जैसे ये स्पीड और हो गई तो उसी वक्त कंप्रेसर जो है वो स्टार्ट हो जाता है इसका हायर का। ये देखें ये आरपीएम इसके बढ़ गए हैं, और ये देखें कंप्रेसर जो है ये हमारा ये देखें स्टार्ट हो चुका है, और ये ब्लोअर का अपना जो मोटर लगी हुई है ये वाली, ये भी चल ऑन हो गई है आउटडोर वाली भी, और ये कंप्रेसर भी हमारा ऑन हो चुका है। हाँ जी, E7 का जो एरर था इसी वजह से था, सिर्फ छोटा सा एक फॉल्ट था तो उसमें E7 का एरर आ गया था, तो ये हमने ओके कर दिया, E7 का एरर क्लियर है। ये 2 टन की किट है हायर की, तो ये देखें आप भी रिपेयर इसे कर सकते हैं इसी तरह। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, अगर किसी भाई ने ट्रेनिंग लेनी हो तो आके ले सकता है, काम कर सकता है, सीख सकता है हमसे। हमारी वीडियो देख के लाइक जरूर कर दिए करें, और हम अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया जी, खुदा हाफज़।